मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की स्टोरी जो है हमारे राष्ट्रपति साहब रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से संबंधित है। बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, तो पहले हम स्टोरी को एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की आपके साथ कोशिश करते हैं। तो चलिएगा इसको एक बार पढ़ लें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बड़े विनम्र स्वभाव के थे। उनका एक तुलसी नाम का पुराना नौकर था जो उनके कमरे की साफ सफाई के लिए नियुक्त किया गया था। एक दिन सुबह कपड़े से धूल साफ करते हुए धोखे से एक कीमती पेन जमीन पर गिर गया। पेन चटक गया और उसकी स्याही कालीन पर फैल गई। राजेंद्र प्रसाद कालीन गंदा होने पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने तुरंत ही उस नौकर को अपनी सेवा से हटा दिया, लेकिन पूरे दिन भर काम करते हुए उन्हें इस कृत्य पर पछतावा रहा। शाम को जब राजेंद्र प्रसाद कार्य से खाली हुए तो उन्होंने अपने नौकर तुलसी को अपने कमरे में बुलाया। नौकर का दिल जोर जोर से कई आशंकाओं से धड़क रहा था। नौकर ने डरते हुए कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि राष्ट्रपति से झुकाए खड़े हैं और उन्होंने धीमे और अपराध बोध में कहा, तुलसी मुझे माफ़ कर दो। तुलसी आश्चर्यचकित था और कुछ भी ना बोल पाया। राष्ट्रपति ने पुनः उसी स्वर में कहा, तुलसी मुझे क्षमा नहीं करोगे क्या? अब राष्ट्रपति और नौकर दोनों की आंखें नम थीं। एक क्षमा भाव और दूसरा कृतज्ञता के भाव से सराबोर थे। तो चलिएगा अब स्टोरी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो आप लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, बड़े विनम्र स्वभाव के थे। वॉज वेरी, विनम्र के लिए लिख सकते हैं हम हम्बल, काइंड, नेचर, ठीक है। उनका एक तुलसी नाम का पुराना नौकर था, यानी कि वह रखते थे, तो आप बनाएंगे ही हैड। उनका एक नौकर है एन ओल्ड सर्वेंट, पुराना नौकर, ओल्ड सर्वेंट नेम्ड तुलसी, तुलसी नाम का, ठीक है, जो उनके कमरे की साफ सफाई के लिए नियुक्त किया गया था। तो जो कि अंग्रेजी क्या बनाओगे, हु, पीछे पहुंचो, नियुक्त किया गया था। वॉज अपॉइंटेड, विच हु वॉज अपॉइंटेड, जो नियुक्त किया गया था साफ सफाई के लिए, तो टू क्लीन, उनके कमरे की, ऑफ हिज रूम। अब देखिएगा, तो हु वाज अपॉइंटेड टू क्लीन ऑफ हिज रूम, जो उनके कमरे की साफ सफाई के लिए नियुक्त किया गया था। एक दिन, आप लिखेंगे वन डे। आगे, सुबह कपड़े से धूल साफ करते हुए, कोमा लगा है, इतना आप भी अलग बना लें, सुबह मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग, धूल साफ करते हुए डस्टिंग फ्रॉम द क्लॉथ, कपड़े से धूल साफ करते हुए धोखे से एक कीमती पेन जमीन पर गिर गया। धोखे थे, मिस्टेकली एक कीमती पेन, आ कॉस्टली पेन, गिर गया, तो आप बनाएंगे फेल ऑन द ग्राउंड, जमीन पर गिर गया। फिर क्या है, पेन चटक गया, तो आप लिखेंगे पेन वॉज क्रैक्ड, पेन चटक गया।
और उसकी स्याही कालीन पर फैल गई एंड इट्स इंक उसकी स्याही स्प्रीडेड फैल गई स्प्रीडेड ऑन द फ्लोर या फर्श भी लिख सकते हैं ठीक है फर्श फ्लोर या ग्राउंड जमीन पर फैल गई सॉरी कालीन लिखा है उसकी स्याही कालीन पर फैल गई कालीन होता है बेटा कारपेट क्या होता है कारपेट उसकी स्याही कालीन पर फैल गई तो आप लिखेंगे इट्स इंक स्प्रेडेड ऑन द कारपेट फिर राजेंद्र प्रसाद कालीन गंदा होने पर बहुत गुस्सा हुए तो आप लिखेंगे राजेंद्र प्रसाद फिर क्या हुए राजेंद्र प्रसाद बहुत गुस्सा हुए वॉज वेरी एंग्री ठीक है कालीन गंदा होने पर ठीक है ना बीइंग द डर्टी कारपेट कालीन गंदा होने पर ठीक है उन्होंने तुरंत ही उस नौकर को अपनी सेवा से हटा दिया तो उन्होंने उन्होंने की अंग्रेजी क्या बनेगी ही हटा दिया डिसमिस्ड ही डिसमिस्ड उन्होंने हटा दिया किसे उस नौकर को दैट सर्वेंट उस नौकर को तुरंत ही सून अपनी सेवा से फ्रॉम हिज सर्विस तो बना ही डिसमिस्ड दैट सर्वेंट उन्होंने उस नौकर को निकाल दिया सून शीघ्र ही फ्रॉम हिज सर्विस अपनी सेवा से उन्होंने अपनी सेवा से उस नौकर को तुरंत ही निकाल दिया फिर लेकिन तो लेकिन की अंग्रेजी व्हाट पूरे दिन भर काम करते हुए ये बनेगा पार्टिसिपल में तो व्हाइल वर्किंग काम करते हुए पूरे दिन ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन काम करते हुए उन्हें इस कृत्य पर पछतावा रहा तो ही वेंट ऑन या ही हैड भी लगा सकते हैं ही हैड या ही वेंट ऑन रीपेंटिंग ऑन दिस डीड इस काम पर शाम को तो आप लिखेंगे इन द इवनिंग शाम को जब राजेंद्र प्रसाद कार्य से खाली हुए तो वैन राजेंद्र प्रसाद खाली होने का मतलब होता है फ्री वॉज फ्री फ्रॉम द वर्क काम से खाली हुए एम्प्टी ना लिख देना तो उन्होंने अपने नौकर तुलसी को अपने कमरे में बुलाया किसने बुलाया उन्होंने ही क्रिया क्या है बुलाया कॉल्ड किसे बुलाया अपने नौकर को हिज सर्वेंट ही कॉल्ड हिज सर्वेंट उन्होंने अपने नौकर को बुलाया अपने कमरे में इन हिज रूम अपने कमरे में ठीक है उन्होंने अपने नौकर तुलसी को अपने कमरे में बुलाया ही कॉल्ड हिज सर्वेंट इन हिज रूम तुलसी ने लिखा यहाँ लिख लेना ठीक है आगे नौकर का दिल जोर जोर से कई आशंकाओं से धड़क रहा था कौन धड़क रहा था नौकर का दिल हार्ट ऑफ सर्वेंट वॉज बीटिंग बीटिंग में धड़कना फास्टली जोर जोर से हार्ट ऑफ सर्वेंट वॉज बीटिंग फास्टली नौकर का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था कई आशंकाओं से विथ मैनी डाउट्स कई आशंकाओं से डाउट मीन्स आशंका नौकर ने डरते हुए कमरे में प्रवेश किया तो नौकर यानी सर्वेंट
entered into the room fearfully, डरते हुए प्रवेश किया। servant entered into room fearfully, नौकर ने डरते हुए कमरे में प्रवेश किया और तो देखा सा दैट की राष्ट्रपति सिर झुकाए खड़े हैं। प्रेसिडेंट इज स्टैंडिंग बेंडिंग द हेड। देखो स्टैंडिंग दोनों में क्रियाओं में आई इंगी लग गया है। स्टैंडिंग मेन वर्ब है और बेंडिंग पार्टिसिपल में है, ठीक है, झुकाए हुए काम जारी है, ठीक है। और उन्होंने एंड ही धीमे और अपराध बोध में कहा, ही सैड स्लो एंड फीलिंग ऑफ गिल्टी, अपराध बोध में कहा तुलसी, अपराध बोध में कहा कॉमा इनवर्ट कॉमा शुरू, क्या कहा तुलसी, मुझे माफ कर दो फॉर गिव मी, तुलसी फॉर गिव मी, मुझे माफ कर दो। तुलसी आश्चर्यचकित था, तो आप लिखेंगे तुलसी वॉज एस्टोनिश्ड या सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, और कुछ भी ना बोल पाया। एंड कुड या डिड दोनों लगा सकते हैं, कुड नॉट से एनीथिंग, राष्ट्रपति ने पुनः उसी स्वर में कहा, प्रेसिडेंट सेड अगेन इन सेम वॉइस या टून, लिख सकते हैं क्या कहा, तुलसी तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे क्या, तुलसी विल यू नॉट फॉरगिव मी, तुलसी विल यू नॉट फॉरगिव मी। अब राष्ट्रपति और नौकर दोनों की आंखें नम थी, नाउ आईज ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड सर्वेंट बर वेट या हम्बल भी लिख सकते हैं, गीली थी या वेट, एक क्षमा भाव, तो आप लिखेंगे फर्स्ट फोर फॉरगिवनेस एक क्षमा भाव और दूसरा कृतज्ञता के, एंड सेकेंड फोर फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड बर संक, संक मीन्स भाव विभोर थे, सरोवर थे। तो बेटा ये स्टोरी हमारी बन चुकी है, अगर कोई समस्या है तो ज़रूर बताना, बट आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। चलिएगा, सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट करके ज़रूर बताएं स्टोरी कैसी लगी, धन्यवाद।